हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता लग ही गया होगा थंबनेल देख के कि मेरे टिक्की ऐप के, वो जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ टिक्की ऐप का है। तो एक टिक्की ऐप है, तो उसमें हमारे फ्रेंड 1,02,000 हैं टोटल। पता है कैसे दोस्तों? मैंने 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 1.5 साल में मुझे अब जाके उसका रिजल्ट, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को। रिजल्ट क्या, 2-4 महीने के बाद ही अच्छा रिजल्ट मिल गया, क्योंकि अभी वो टिक्की ऐप नया था, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँ। और मैंने काफ़ी पहले, मतलब टिक्की ऐप से पहले मैंने कई प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे कि स्नैक वीडियोस हो गया, टिकटॉक हो गया, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस डाली, बट उस पर फेमस नहीं हुए करके, पॉपुलर नहीं हुए। तो अभी जो टिक्की ऐप है, टिक्की ऐप में मतलब अच्छे खासे आप लोगों ने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा, पता चल ही गया होगा आपको कि हमारे फ्रेंड कितने हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारे टिक्की ऐप पे इतने सारे लोग अगर प्यार और आशीर्वाद अपना दिए हैं, तो ऐसे ही मुझे इस यूट्यूब पे भी अगर हमें प्यार दे तो कितना अच्छा होगा। तो आप लोगों से, अगर मेरे प्रिय मित्र, अगर आप लोग टिक्की ऐप से हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर दीजिएगा, मतलब लिंक भेज दीजिएगा। कि आप लोगों से ही ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप खुद समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार तो आप लोग हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि जिन चीज़ों में इंसान को इंटरेस्ट होता है वो करे इंसान तो अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट है डांस करने में, डांस करना मुझे पसंद है, तो मैं डांस करूँ, जी जान लगा दिया जाए, तो फिर इंसान ज़रूर मतलब मंजिल हासिल कर सकता है। अगर जिस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो करेगा क्या? इंसान को कोसते रहो कि भाई ये कर ये कर, ऐसा नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मैंने मुंह भी नहीं धुला है, बाल सब वैसे ही हैं, सब कुछ कहीं कुछ नहीं। अभी मैं तुरंत ही मतलब फ्रेश व्रेश होकर आया, मैंने सोचा एक वीडियो, सुबह सुबह का टाइम है, अभी धूप निकल ही रही है, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद अपने भाई को दीजिए। और जैसे कि मैंने टिक्की ऐप पे शुरू 1.5 से 2 साल तक मेहनत किया, तो मेरे इतने फ्रेंड हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही मैं 1.5 साल क्या, मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा इसमें, ब्लॉग वीडियोज़ में, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। और अभी थोड़ी मेरे में गलतियाँ हो रही हैं, बाय मिस्टेक, देखिए जो भी कुछ, अभी मैं नया ब्लॉगर हूँ, हमें यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, सच बताऊँ आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन नहीं देखने आता था। फिर लोग कहते हैं कि यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उसे जाके मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ऐसा है वैसा है। तो हमें तो यूट्यूब के बारे में हमें पता ही नहीं था, थंबनेल बनाना नहीं पता था, वीडियो को एडिट कैसे करना है वो भी नहीं पता था। लेकिन अब धीरे 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 मैं सीख रहा हूँ। अब अगर सीख रहा हूँ तो इसमें गलतियाँ हो ही जाएंगी दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जितने भी हमारे प्रिय मित्र, चाहे टिक्की ऐप के हों या हमारे आस पड़ोस के या हमारे गांव के लोग हैं। तो ज़रूर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। दोस्तों, कोई भी इंसान काम करता है सबके में बात, जैसे कि मैं अभी आप सबको पता है कि मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूँ। यहाँ सैलरी क्या मिलती है? 5 से 7 हज़ार रुपये। क्या होने वाला है आज के डेट में? ऊपर मेरी शादी भी हो गई है, आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा, पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए, अपने वाइफ के साथ में मैंने व्लॉग्स बनाया है। अभी उतना मतलब इस व्लॉग वीडियोस में उतना दम नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डेली एक वीडियो डालनी है, जाहिर सी बात है, अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं यार, फिर मज़ा नहीं आएगा, यूट्यूब वाले बोलेंगे यार इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहा है। तो हमें टाइम पास नहीं करना है, एक टाइम देना है। एक जैसे कि अगर हमें रात में वीडियो डालनी है, दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और बता दूँ, मैं ज़्यादातर रात में वीडियो डालता हूँ 8:30-9 बजे के टाइम में। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़ गाइस, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? पिछली वीडियो देख ली गया, अभी तो मैं आप लोगों से कई बार बता दिया कि मेरी वीडियो अभी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अभी हम नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं। दोस्तों,
बस हमें 2-4 महीने का टाइम दीजिए, हम अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। बस 2 से 4 महीना इतनी अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचाऊंगा आप लोग। हमें अभी एडिट सही से करने नहीं आ रहा है, एडिट अभी मैं सीखूंगा अच्छे से कि मुझे एडिट कैसे करना है। तो दरअसल ज़्यादा भी वो सब फिल्टर फुल्टर मार के, ये देखिए ये रियल फेस है। और मैं टिक्की ऐप पे जो बनाता हूँ फिल्टर मार के, इंस्टाग्राम से फिल्टर मारेंगे फिर टिक्की ऐप पे डालेंगे तो वो मज़ा नहीं रहता है ना जो रियल का। ये देखिए ये रियल है, जो काले हैं अब हम तो इतने गोरे हैं नहीं, जो हैं आपके सामने देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये इस मतलब काले और गोरे से क्या होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, एक दूसरे का भला करे, गिरते हुए को उठाना काम है उन लोगों का जो दिल के साफ होते हैं। आप गोरे होने से फ़ायदा क्या है, अब गोरे होने से फ़ायदा ये है, फ़ायदा बस लोगों को दिखावा होता है कि ये बंदा बड़ा बहुत ही स्मार्ट है, ये तो यार कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि इंसान की सूरत अगर अच्छी है ना, वैसे अपने दिल को इंसान अगर अच्छा बनाए तो ये कहते हैं ना ये दुनिया, ये जन्नत, ये पृथ्वी, मतलब यही जन्नत है। इंसान एक में मतलब एक में मिलजुल के रहे तो यही जन्नत है। अगर मिलजुल के ना रह रहा, घर फैमिली में लड़ाई हो रही है, गांव लोगों दोस्त यार से लड़ाई हो रही है तो ये फिर नर्क है ना। अगर 10 दोस्त अगर मिल के अगर एक साथ बैठे, अगर प्यार मोहब्बत से रहें, अगर लड़ाई झगड़ा ना हो, घर वाले अच्छे से मतलब घर वाले के साथ भी अच्छे से रहो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वही स्वर्ग है। दोस्तों क्या मेरी बात आप लोगों को, देखिए आप लोगों के पास दिमाग है हमें पता है, मेरे से ज़्यादा ही होगा कहीं, बट ये है कि हमें ये वीडियोस बनानी हो रही है क्यों, प्लीज़ आप समझ सकते हैं। जो इंसान के अंदर जो हकीकत है, जो टैलेंट है, वो निकालना ज़रूरी है। दोस्तों बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। और लास्ट बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। ओके दोस्तों मिलते हैं बाद में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस। ओके लव यू गाइस।